hello and welcome to spmis academy today we'll analyze important newspaper articles of 12 february 2022 please note you can download the pdf version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section you can also join our whatsapp group through the link given in the description section for more study materials this is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper and the first article is taken from editorial segment it is about breakthrough in फ्यूजन टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस एंड टेक्नोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा फ्यूजन रिएक्शन दैट कम्स अंडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो देखिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ठीक है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लेकिन एनर्जी दो तरीके से प्रोड्यूस हो सकती है अंडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक होता है फीजन रिएक्शन फिजन रिएक्शन में कैसा होता है कि कोई एक लार्ज न्यूक्लियस ब्रेक होता है दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में जैसे इस केस में आप देख रहे हैं कि यूरेनियम यूरेनियम 235 थर्टी फाइव इज ब्रेकिंग इन टू बैरियम एंड क्रिप्टन और उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है तो कैसा होता है कि जैसे एक यूरेनियम 235 आप देख रहे हैं उस पर जाकर के एक न्यूट्रॉन हिट करेगा और न्यूट्रॉन हिट करने के बाद कैसा होगा कि बैरियम और क्रिप्टन में ये टूट जाएगा और तीन न्यूट्रॉन और निकलेंगे ये तीन न्यूट्रॉन जा कर के फिर बाकी यूरेनियम पे अटैक करेंगे वो यूरेनियम भी टूटेंगे वो तीन तीन न्यूट्रॉन और रिलीज़ करेंगे तो इस तरीके से चेन रिएक्शन बनता है और लगातार एनर्जी रिलीज होती रहती है लेकिन फ्यूजन रिएक्शन में इसका उल्टा होता है फिजन में चीज़ें या न्यूक्लियस टूटता है फ्यूजन में न्यूक्लियस दो कंबाइन हो जाते हैं सो so, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं या इस इमेज में भी देखा आपने कि न्यूक्लियर जैसे ये एक्सेलेटेड न्यूट्रॉन जाकर के यूरेनियम को हिट करेगा और ये टूटा और ये फीजन हो गया लेकिन फ्यूजन इसका बिल्कुल उल्टा है यहाँ पे ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम एक एक तरीके का आप समझिए कि हेवी वाटर इसको कहते हैं ये ये प्रो, प्रोटोन या फिर हाइड्रोजन का आप आइसोटोप मान सकते हैं इसको तो ड्यूटेरियम ये दो ड्यूटेरियम आपस में जब फ्यूज़ करेंगे सो दे विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हीलियम और उस प्रोसेस में वो एनर्जी रिलीज़ करेंगे ये देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिक्स होकर के हाइड्रोजन में भी ये हाइड्रोजन का वो ड्यूटेरियम वाला आ, इसका आइसोटोप है तो ये दोनों फ्यूज करके इन्होंने बनाया हीलियम और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है और ये जो एनर्जी ये जो रिएक्शन होगा जिसमें दो एटम आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन और इससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग कहेंगे फ्यूजन रिएक्शन के रिजल्ट का आउटकम होगा ये एनर्जी अब अगर फ्यूजन और फिजन रिएक्शन की बात की जाए तो आप देखिए फिजन रिएक्शन में एनर्जी कम निकलती है एज़ कम्पेयर टू फ्यूजन रिएक्शन फ्यूजन रिएक्शन में एक एकाएक से बहुत हाई अमाउंट ऑफ़ एनर्जी रिलीज़ होता है जबकि फ्यूजन में इतना हाई एनर्जी रिलीज़ नहीं होता है उसके अलावा अगर बात की जाए तो पहली एनर्जी कंपेरिज़न तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि फ्यूजन में एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होता है और फ्यूजन वही प्रोसेस है जो सन के अंदर होता रहता है कल भी मैं सन आई थिंक परसों में बात कर रहा था स्टारलिंग प्रोजेक्ट की कि सन के अंदर कैसे एनर्जी रिलीज होती है तो लगातार हाइड्रोजन हीलियम फ्यूजन होता रहता है सो फ्यूजन इज द सेम प्रोसेस दैट पावर्स द सन फ्यूजन सन के अंदर भी फ्यूजन रिएक्शन होता रहता है और वहां से एनर्जी रिलीज होती रहती है आपको एक बात समझनी है कि फ्यूजन रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज सेवरल टाइम्स ग्रेटर देन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन फीजन रिएक्शन तो फ्यूजन में जो प्रोड्यूस होता है इससे कई गुना ज्यादा फ्यूजन में प्रोड्यूस होता है उसके अलावा अगर बात की जाए कि वन वन इज सेफ लेस अ वेस्ट तो हमें पता चलेगा कि फ्यूजन रिएक्शन इज बेटर इन ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट कि फिजन इज ईजियर प्रोसेस देखिए ध्यान से फिर से समझिए एनर्जी तो फ्यूजन में ज्यादा है एनर्जी इसमें ज्यादा निकल रहा है ठीक है इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस इमिशन की अगर बात की जाए तो इस प्रोसेस में फीजन में ज़्यादा रिलीज होता है फ्यूजन में कम होता है उसके अलावा ये जो प्रोसेस है फीजन इसके तुलना में फ्यूजन ज़्यादा सेफ़ भी है लेस एक्सीडेंट प्रोन भी है तो मुद्दा यह है कि फ्यूजन रिएक्शन ज़्यादा एनर्जी भी देता है उसके अलावा क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी भी है लो कॉस्ट ऑफ़ एनर्जी भी है तो सवाल ये उठता है तो फिर हम लोग ये करते क्यों नहीं है ये इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी अभी तक ठीक से डेवलप नहीं हुई है फ्यूजन रिएक्शन को करा पाना इतना सरल नहीं है तो ज़्यादातर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं या जो वेपन्स हैं वो सब इस रिएक्शन पे काम करते हैं फ्यूजन पे तो यही बैरियम क्रिप्टन में तोड़ते हैं यूरेनियम को ज़्यादातर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं सब इसी पर काम करते हैं फ्यूजन रिएक्शन अभी भी एक्सपेरिमेंटल फेज में है डेवलपमेंटल फ़ेज में हर मामले में अच्छा है वेस्ट कम रिलीज़ करता है एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ करता है ग्रीन हाउस गैस कम रिलीज़ करता है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसको अभी तक पूरी तरह से कॉमर्शियल स्केल पर डेवलप नहीं किया गया है तो कई सारे जगहों पर टेस्ट चल रहे हैं रिसर्च चल रहे हैं मेजर लेवल पर फ्यूजन रिएक्शन को प्रॉपर तरीके से या आप समझिए कि कॉमर्शियल या लेवल पर डेवलप करने के लिए तो दो जो मेन रिसर्च चल रहे हैं एक रिसर्च चल रहा है इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर बनाया गया है आईटीईआर दिस आईटीईआर इज ए रिसर्च फैसिलिटी इन फ्रांस और आई जो रिसर्च फैसिलिटी है वो दुनिया के 35 कंट्रीज ने मिल करके बनाया है जहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन को डेवलप करने के लिए आटे लार्ज स्केल टेस्ट चल रहे हैं ये 35 कंट्रीज़ में यूरोपियन यूनियन चाइना वगैरह है जापान साउथ कोरिया रसिया ये सब हैं एक बात जो ध्यान रखनी है कि आई के अंदर आउट ऑफ थर्टी कंट्री इंडिया इज़ ऑल्सो अम्बर और उम्मीद की जा रही है कि आई का जो पूरा का पूरा रिसर्च है वो 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा उसके अलावा चाइना खुद का अपना अलग से भी फ्यूजन रिएक्शन एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसका नाम है चाइनाज एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोका ईस्ट जिसको चाइना ने नाम दिया है एक्सपेरिमेंटल सन तो चूँकि सन में भी फ्यूजन रिएक्शन होता रहता है तो चाइना ने अपने इस आप रिसर्च प्रोग्राम को नाम दिया है चाइनाज सन अब करेंट न्यूज़ ये है कि ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन के अंदर एक छोटी सी टेक्निकल टीम है जॉइंट यूरोपियन टोरस उसने फ्यूजन रिएक्शन को करा दिया है सक्सेसफुली तो ये ना ही आई टी आर है ना ही चाइना की एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकोमार्क है एक दूसरी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये फ्यूजन रिएक्शन को सक्सेसफुली कंडक्ट करा दिया है जिसमें उन्होंने लगभग 59 मेगा जूल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस किया है फॉर फाइव सेकेंड दैट इज समेर क्लोज टू 11 मेगा वॉट ऑफ पावर तो बहुत ज़्यादा पावर नहीं बना पाए हैं लेकिन हाँ फ्यूजन रिएक्शन को करा जरूर दिया है अब एक बात आपको ये भी ध्यान रखने की ऐसा नहीं है कि पहली बार उन्होंने फ्यूजन रिएक्शन को कराया है इसके पहले भी फ्यूजन रिएक्शन हुआ था नाइनटीन नाइन्टी में लेकिन उससे ज़्यादा उससे थोड़ा उससे लगभग डबल अमाउंट का एनर्जी उन्होंने इस बार प्रोड्यूस किया सो दिस इज एन इंकरेजिंग साइन तो आई और चाइना का जो ये ईस्ट वाला जो प्रोजेक्ट है इसका फाइनल आउटकम आने दो लास्ट ईयर चाइना वाला भी न्यूज़ में था क्योंकि चाइना ने भी एक्सपेरिमेंटल सन को कुछ सेकंड के लिए रन कराया था लेकिन अभी कोई भी फैसिलिटी जो है लार्ज स्केल पे लार्ज समय तक के लिए यानी कि सस्टेनेबल टाइम के लिए फ्यूजन रिएक्शन नहीं करा पा रहा है लेकिन हाँ इस डायरेक्शन में थोड़े डेवलपमेंट्स हो जरूर रहे हैं और ये जो एजेंसी है जॉइंट यूरोपियन टोरस इसने भी फ्यूजन रिएक्शन को लगभग कुछ सेकंड के लिए लगभग पांच सेकंड के लिए सक्सेसफुली करा दिया है सिग्निफिकेंस ऑफ फ्यूजन रिएक्शन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है फ्यूजन रिएक्शन तो हमारे अर्थ के जितने भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी एंड दैट टू थ्रू अ लो कार्बन एंड लो रेडिएशन सोर्स तो जितना भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन और ये क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ये सब कंट्रोल में आ सकते हैं अगर हमने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कॉमर्शियल स्केल पर डेवलप कर लिया तो ये होता है फ्यूजन रिएक्शन दो छोटे छोटे एटम्स आपस तो में फ्यूज करेंगे और उस प्रोसेस में देर रिलीज ए लॉट ऑफ तो हीट इस टॉपिक के बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट इट इज अबाउट क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंर सिलेबस पेपर थ्री इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले क्वाड ग्रुप है क्या ये समझिए देखिए क्वाड इज ए ग्रुप ऑफ फोर कंट्रीज यूएस जापान इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया तो इन चार देशों ने मिलकर के एक आपस में ग्रुपिंग बनाई है जिसका नाम है क्वाड अजय सेड क्रिएशन ऑफ क्वाड इट स्टार्टेड कैसे क्वाड की शुरुआत हुई है हाउ ओरिजिन ऑफ क्वाड हैपेंड ये भी समझिए 2007 में उस टाइम के जापान के प्राइम मिनिस्टर सिंजो अबे ने ये आइडिया प्रपोज किया था क्वाड का कि लेटेस्ट दीज कंट्रीज कम टुगेदर और ये देखिए इन चारों कंट्री का लोकेशन देखिए अक्रॉस इंडो पैसिफिक रीजन खासकर साउथ चाइना सी सिंजू तो अबे ने ये जो प्रपोजल दिया था क्वाड का उसका मेन गोल ही था कि चाइना के अग्रेसिव राइज को एंड दैट टू इन साउथ चाइना सी उसको काउंटर किया जा सके सो so, क्वाड एसेंशियली वाज प्रपोज्ड बाय सिंजू अबे एज एन एंटी चाइना ग्रुपिंग लेकिन इंडिया ने स्टार्टिंग से ही इस तरह की एंटी चाइना ग्रुपिंग पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया इसीलिए 2007 में जब ये क्वाड प्रपोज हुआ तो इट रिमेंड अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया बोथ वे आर नॉट इंटरेस्टेड जापान एंड यूएस दे एनी वे वे वेयर कंप्लीटली अगेंस्ट चाइना बिकॉज चाइना इमर्ज एज अ सुपर पावर बाय द बिगिनिंग ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी एंड इमरजेंस ऑफ चाइना इन स्पेशली इन द साउथ चाइना सी रीजन वॉज डायरेक्ट थ्रेट फॉर जापान सो नेचुरली जापान विल नॉट लाइक इट सो जपान स्टार्टेड टू डेवलप ए कांडंड ऑफ पार्टनरशिप फोर ज कांड ऑफ पार्टनरशिप अगेंस्ट चाइना एंड यू एस तो एनी वे इज अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ कंट्री हू एसर्ट्स देयर पावर बिकॉज यू एस वॉन्ट्स द वर्ल्ड टू बी यूनिपोलर तो वेन यू एस सॉ दैट चाइना इज राइजिंग एज अ सुपर पावर इन द साउथ चाइना सी इट कॉल्यूडेड विद इट्स ओल्ड पार्टनर जपान जपान और यू एस तो एनी वे आर अलाइज राइट सिंस नाइनटीन फिफ्टी नाइन तो यू एस और जपान तो ये चाह रहे थे 2007 से ही कि क्वाड ग्रुप बनाया जाए ऑस्ट्रेलिया जापान इंडिया और यूएस मिलकर के ताकि चाइना के अग्रेशन को और राइज को साउथ चाइना सी में काउंटर किया जा सके साउथ चाइना सी में तो आपको पता ही है चाइना इसको अपने बैकयार्ड की तरह डेवलप कर रहा है नाइन डैश लाइन ड्रॉ कर दिया ये सब तो आपको मैंने बताया है सो so, क्वाड का अगर इवोल्यूशन देखा जाए तो क्वाड स्टार्टिंग में इट स्टार्टेड इन टू बट इट रिमेंड अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप Because it was mainly seen as an anti-China group, and India and Australia both avoided this kind of direct confrontation with China. India kept limitations. India shares a long boundary with China. So India does not want any kind of direct confrontation with China because there might be some issues or, or confrontation in the border region. And Australia had a huge trade relations with China. And that is why Australia also did not want to have a, an anti-China platform.

चाइना ने थ्रेटेन किया ऑस्ट्रेलिया को आपको पता होगा मैंने भी न्यूज़ पेपर आइलिस से बताया था कि ऑस्ट्रेलिया डिमांडेड इम्पारसियल ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस उस पर चाइना ने एक 14 पॉइंट का लेटर लिख करके ऑस्ट्रेलिया को धमकाने की कोशिश की कि ऑस्ट्रेलिया शुड नॉट इंटरफेयर इन टू इंटरनल मैटर्स ऑफ चाइना अदरवाइज चाइना विल स्टॉप बिजनेस विद ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी विल सफर इस तरह के डायरेक्ट धमकी दी और उसके बाद से ये दोनों देश ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो पहले एंटी चाइना ग्रुपिंग को फॉर्मलाइज नहीं करना चाहते थे एंटी चाइना ग्रुपिंग पे साफ साफ नहीं आना चाहते थे उन्होंने धीरे धीरे अपना स्टैंड बदला एंड बोथ कंट्रीज नाउ स्टार्टेड टू री ओरिएंट क्वाड और इसी से कह सकते हैं आपके 2020 के बाद से क्वाड को रिवाइव करने की कोशिश की गई है इसीलिए इसको कई बार क्वाड 2.0 भी कहते हैं वेयर फॉर्मलाइजेशन ऑफ क्वाड स्टार्टेड फॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है कि अब हेड ऑफ़ द स्टेट्स की मुलाकात होने लगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ़ यूएस एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इन लोगों के हेड्स मुलाकात होने लगी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने लगी डिसीजन्स होने लगे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन दिस इज हाउ फार्मलाइजेंट स्टार्टेड अदरवाइज बिफोर दिस क्वाड वॉज जस्ट जस्ट एज एन आइडिया इट वॉज नॉट बींग प्रैक्टिकली यूटिलाइज एज अ प्लेटफॉर्म बट इन दोनों इंसिडेंट्स के बाद से क्वाड स्टार्टेड टू गेट मोर एंड मोर क्रिस्टलाइज्ड मोर एंड मोर फॉर्मलाइज्ड और इसी कॉन्टेक्स्ट में रिसेंटली हमारे क्वाड uh, के uh, जो मिनी फॉरन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई है दिस वॉज फोर्थ फॉरेस्ट फॉरन मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑफ क्वाड कंट्रीज दिस फॉरन मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑफ क्वाड कंट्री हैज़ बिन हेल्ड इन मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए उनको एक एक करके देखते हैं फर्स्ट डिसीजन इज रिगार्डिंग वैक्सीन पार्टनरशिप तो अबाउट वन बिलियन वैक्सीन्स विल भी प्रोड्यूस्ड इन द इंडो पैसिफिक रीजन सो अबाउट वन बिलियन वैक्सीन्स विल भी प्रोड्यूस्ड फॉर द कंट्रीज इन दिस इंडो पैसिफिक रीजन द फंड विल कम फ्रॉम यू एस प्रोडक्शन विल भी डन इन इंडिया बिकॉज इंडिया इज एनी द लार्जेस्ट मैनुफैक्चर ऑफ वैक्सीन्स एंड नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सब गिवन बाई ऑस्ट्रेलिया एंड जापान फॉर दीज वैक्सीन्स उसके अलावा मैरी टाइम पार्टनरशिप सो एनी काइंड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ़ की जरूरत हो मान लीजिए कि कहीं सिप डूब रहा है और कहीं ऑयल स्पिल हो चुका हो या डिजास्टर रिलीफ की बात हो या सुनामी वगैरह तो उसके लिए भी इंडो पैसेफिक रीजन में ये चार कंट्रीज़ कोलाबोरेट करेंगे दे विल फोकस ऑन बिल्डिंग सेफ़ एंड ट्रांसपेरेंट फाइव जी नेटवर्क तो अब अब देख करके आपको कि कर ठीक है बिल्ड सेफ़ एंड ट्रांसपेरेंट फाइव जी नेटवर्क लेकिन दिस इज एन इंडायरेक्ट अटैक ऑन चाइना क्योंकि चाइना की जो कंपनियां हैं हुआई एंड जेट्टी उन पर एलिगेशंस लगते रहते हैं कि ये लोग 5G नेटवर्क के नाम पे अलग अलग देशों से डाटा चुराते हैं स्पाइनेस करते हैं ठीक है जासूसी करते हैं तो इस कारण से जब सेफ़ एंड ट्रांसपेरेंट 5G नेटवर्क की बात होती है तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट अटैक होता है चाइना पर तो क्वाड ग्रुप पर ऐसा ही होता है चाइना का कुछ भी डायरेक्ट जिक्र नहीं किया जाता है लेकिन इनडायरेक्ट उसका उस पर अटैक करते हैं कि हम लोग सेफ वर्ल्ड चाहते हैं हम लोग ओपन एंड फ्री पैसिफिक चाहते हैं तो भाई ओपन एंड फ्री पैसिफिक चाहते हैं और चाइना कह रहा है कि ये साउथ चाइना सी मेरा है और तुम कह रहे हो कि ओपन एंड पैसिफिक चाहते हैं मतलब इनडायरेक्टली तुम कह रहे हो कि साउथ चाइना सी जो चाइना क्लेम करता है उसका है वो हम नहीं मानते हैं सो बिना चाइना का जिक्र किए सीधा सीधा नाम लिए क्वाड प्लेटफॉर्म पर चाइना को काउंटर करने की कोशिश की जाती है तो उसी डायरेक्शन में आप ये स्टेटमेंट देख सकते हैं बिल्ड सेफ़ एंड ट्रांसपेरेंट 5G जी नेटवर्क कोऑपरेशन इन द क्लाइमेट चेंज एरिया तो क्लाइमेट चेंज के लिए इंडो पैसेफिक रीजन में एक इंडो पैसिफिक एनर्जी सप्लाई चेन बनाई जाएगी बाई मिड ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू इसके अलावा काउंटर टेरोरिज्म तो चाइना का ऑल वेदर फ्रेंड है पाकिस्तान ये तो आप जानते हैं और पाकिस्तान की मदद से चाइना इंडिया के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेरोिज़्म फैलाता है तो काउंटर टेररिज्म पे भी स्टेटमेंट रिलीज किया गया विदाउट टेकिंग नेम ऑफ पाकिस्तान और चाइना ये साइबर सिक्योरिटी मैरी सिक्योरिटी या फिर टेरर सेफ हैवेंस जो भी देश प्रोवाइड करते हैं या टेरर फंडिंग जो देश प्रोवाइड करते हैं उन देशों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे हम लोग ट्रेड सैक्शन लगाएंगे तो इस तरीके से चाइना और पाकिस्तान का बिना डायरेक्ट मेंशन किए हुए भी उनके ऊपर स्टेटमेंट्स रिलीज किए हैं क्वाड ग्रुप ने लेकिन अगर आप देखें क्वाड ग्रुप के चार कंट्रीज़ को तो ऑफकोर्स इंडिया है बाकी ऑस्ट्रेलिया जापान एंड यू हमारे बहुत सारे कन्वर्जेंस और कन्वर्जेंस एरिया है चाइना एंटी चाइना इज़ वेयर वी यूनाइट राइट बट इंडिया उतना ज़्यादा एंटी चाइना नहीं होना चाहता जितना बाकी सब देश हो रहे हैं क्यों, क्योंकि क्योंकि इंडिया लॉन्ग बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ कुछ एरियाज ऑफ डाइवर्जेंस भी हैं सम एरियाज ऑफ डिफरेंसेस भी हैं इन क्वाड मेंबर्स के अंदर यानी कि इंडिया को चौड़ चाहता है और बाकी तीन कंट्रीज़ को चौड़ चाहते हैं उसमें सबसे पहले है रसिया फैक्टर तो इंडिया डज नॉट वांट टू टेक कम्प्लीटली एंटी रसिया स्टैंड बाकी जो तीन कंट्रीज हैं खासकर यू एस ऑफकोर्स यू एस विल नॉट लाइक रसिया एंड राइज ऑफ रसिया बिकॉज दैट कैन ऑल्सो चैलेंज यू एस है जर्मनी सो रसियाज़ एसरसन और अग्रेसन इन रिसेंट टाइम ऑन यूक्रेन बॉर्डर has found criticism in this quad fourth ministerial meeting so these three countries japan australia and us foreign ministers have openly criticized russia's aggression on ukraine border while india and india's foreign minister ajay shankar kept a kind of strategic silence he, he did not speak anything on this particular matter तो एंड इंडिया ऑल्सो एब्सटेंड फ्रॉम रिजोल्यूशन यू एन एस सी रिजोल्यूशन अगेंस्ट रशिया ऑन यूक्रेन इशू तो इन तमाम मुद्दे से एक बात तो क्लियर है कि इंडिया क्वाड पे फॉर्मलाइजेशन चाह रहा है कुछ एक तरह की कोऑपरेशन चाह रहा है लेकिन अपने रसिया के साथ संबंध खराब नहीं करना चाहता इंडिया डज नॉट वॉन्ट टू मेक डायरेक्ट रेफरेंस ऑफ चाइना तो क्वाड प्लेटफॉर्म पर चाहे कितनी भी शिकायत की जाए इनडायरेक्टली बात की जाए लेकिन चाइना का डायरेक्ट रेफरेंस नहीं करना चाहता इंडिया वाई बिकॉन्डिया से लॉन्ग बाउंड्री विद चाइना एंड वी डो नॉट वॉन्ट डायरेक्ट कंफ्रंटेशन विद चाइना अला म्यांमार भी इस चर्चा हुई एंड दीज थ्री कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया जापान एंड द यूएस दे ओपनली क्रिटिसाइज मिलिट्री जनता रूल इन म्यांमार एंटी डेमोक्रेटिक रूल इन म्यांमार बट इंडिया अगेन डिड नॉट मेक एनी फॉर्मल स्टेटमेंट इट केप्ट काइंड ऑफ वेरी डिप्लोमेटिक स्टैंड इट सेड कि ऑफकोर्स इट इज नॉट हैप्पी विद्ड ऑफ डेवलपमेंट दैट ऑफ हैपन इन म्यांमार बट इट वुड नॉट कंप्लीटली रिस्ट्रेन इट टाइज विद करेंट मिलिट्री डिजाइन ऑफ म्यांमार कीपिंग इट्स ओन इंटरेस्ट दैट इज इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट ये बात तो आप समझ रहे हैं ना ये तो कई दफा मैं भी बता चुका हूं कि भाई म्यांमार सरकार चाहे जो भी हो चाहे अभी मिलिट्री जनता ही सरकार क्यों ना गई हो अगर हम लोग म्यांमार के साथ अपने संबंध खराब कर लेते हैं तो मिलिट्री जनता सरकार जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट ग्रुप्स को अपने यहाँ पे हेवेन दे अपने यहाँ पे सेफ रिफ्यूज प्रोवाइड करेगी और फिर ये जो नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट हैं वो इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते देर माइट बी रिवाइवल ऑफ इंसर्जेंसी If we do not maintain our ties with Myanmar government, and anyway Myanmar is known as gateway of India to Southeast Asia, and that is why it is an important country for our implementation of activist policy, and that is why for these two reasons, for security factor and for economic factor, India does not want to dissociate itself completely from Myanmar, even if there is a uh, anti-democratic or military junta rule. So of course India's approach at Quad is like. Uh, uh, इट इज फोकसिंग ऑन प्रोमोटिंग इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट सो इट इज अलाइनिंग विथ यू एस जपैन एंड ऑस्ट्रेलिया बट वी वॉन्ट टू अवॉयड डायरेक्ट कंफ्रंटेशन विथ रसिया एंड चाइना दिस काइंड ऑफ अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशन इज नोन है सॉफ्ट बैलेंसिंग इस टॉपिक के बेसिस पे इस तरह का मेन्स में सवाल पूछा है यूपीएससी ने दो हजार बीस में मुझे लगता है क्वाड पर सवाल आया एग्जैक्टली exactly यह तो नहीं है बट क्वाड पर सवाल आया है कि इस क्वाड इज मेनली एन एंटी चाइना सिक्योरिटी ग्रुप क्रिटिकली एनालाइज आप कह सकते हैं कि क्वाड की स्टार्ट ऐसे ही हुई है एज एन इनफॉर्मल ग्रुप इन 2007 थाउजेंड एज एंटी चाइना बट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया A maintain a kind of distance from this anti China grouping Quad till 2020, but post 2020 there has been a change in Quad approach, and since then, Quad is becoming more and more formalized. But still, India's stand on Quad is like to avoid direct criticism of Russia and China, and that is how India's approach on Quad platform could be considered as a soft balancing strategy.

कॉलाज ऑल्सो कैरीज दे आर न्यू बॉर्न बेबीज इन पाउच एंड दैट इज वाई दे आर नोन एज मार्सुपल्स बोथ ऑफ देम आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया सो मैम आल्सो कैरी दे आर न्यू बॉर्न बेबीज इन पाउच आर नोन एज मार्सुपियल्स एंड क्वालाज आर काइंड ऑफ मार्सुपियल हाल फिलहाल में क्वालाज न्यूज में इसलिए थे क्योंकि ऑस्ट्रेलियन सरकार ने क्वालाज को उनकी कैटेगरी वलरेबल से एक्सटेंड करके या अपग्रेड करके इंडेंजर्ड इंडे इंडे में डाल दिया है ऑस्ट्रेलियन सरकार ने कहा है कि क्वालाज की जनसंख्या लगातार घट रही है इन क्वालाज आर वेरी पॉपुलर लाइक कंगारूज क्वालाज आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर इन ऑस्ट्रेलिया सो हाल फिलहाल में क्वालाज की पॉपुलेशन घट रही है क्यों क्योंकि क्वालाज जिस चीज को खा करके जिंदा रहते हैं वो है यूकी लेप्टस लीव्स और यूकी लीव्स की संख्या लगातार घट रही है बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट बुश फायर ड्रॉट एंड लैंड क्लियरिंग एक्टिविटीज़ बाय डिफरेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स तो यूकी लीव्स को खा करके जिंदा रहते हैं क्वालाज और यूकी लीव्स की संख्या घट रही है सो so, इस कारण से अब एक नया कॉन्सेप्ट में सिखा रहा हूँ ये तो अभी तक की बात हो गई करंट न्यूज़ में यही था लेकिन अब एक और नई बात मैं सिखा रहा हूँ द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल निस् तो एकोलॉजिकलनेस क्या होता है इट इज अ रेंज ऑफ फूड फूड एटेन बाई स्पेसीज या रेंज ऑफ एरिया राउंड बाई स्पेसीज तो मान लीजिए कि एक जानवर एक लिमिटेड तरह का खाना बस खाता है तो आप कहेंगे कि इसका इकोलॉजिकल नेस काफ़ी नैरो है अगर कोई एक जानवर लिमिटेड तरह का खाना खाता है तो आप कहेंगे कि इसका इकोलॉजिकल इकोलॉजिकलनेस नैरो है तो ये कोआला बस एक ही तरह का फूड खाता है वो है यूकी लीव्स तो इसका इकोलॉजिकल नेस काफ़ी नैरो हो गया उसके अलावा अगर कोई एक जानवर एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहता उससे बाहर नहीं जाता तो भी आप कहेंगे कि इसका इकोलॉजिकल नेस काफ़ी नैरो है तो अगर क्वाल की बात की जाए तो ये काफ़ी घूमते तो रहते हैं लेकिन ये एक ही तरह का लीव्स खाते हैं दैट इज़ वाई फ्रॉम फूड परस्पेक्टिव देयर इकोलॉजिकल नेस इज़ क्वाइट नैरो इस टॉपिक के बेसिस पे पेम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज एटेटम दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन दर एक्स्ट फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट इट इज़ अबाउट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज डिक्लाइंड टू पॉइंट फोर परसेंट इन दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आर सिलेबस पेपर फॉर इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए जैसे हमारे देश में जी मेजर किया जाता है तो जी में तो हर चीज कितना हमने बनाया उसका मॉनिटरी वैल्यू देखते हैं हम लोग और उसका फिर ग्रोथ मेजर करते हैं कि पिछले साल की तुलना में ज़्यादा बनाया है कम अगर सिर्फ इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए कि इंडस्ट्रीज़ ने ज़्यादा प्रोडक्शन किया या कम तो इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्शन को मेजर करने के लिए और ग्रोथ या डिक्लाइन को मेजर करने के लिए जो इंडिकेटर है वो है आई आई पी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये मेजर करने वाली भी वही है और ना जो जीडीपी मेजर करती है दैट इज़ एन एस ओ इसका बेस ईयर है दो हज़ार ग्यारह बारह और इसमें आई आई पी के अंदर जो आइटम्स लिए जाते हैं वो आइटम्स के नंबर हैं फोर जीरो सेवन लेकिन अगर आप आई, आई की बात करें यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की इंडस्ट्रीज से कितना सामान प्रोड्यूस हुआ है ज़्यादा या कम तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को भी दो टाइप में बांटा गया है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को भी दो टाइप में बांटा गया है कोर एंड नॉन कोर तो टोटल 407 तरह के आइटम्स में से आठ ऐसे आइटम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कोर आइटम्स हैं बाकी के तीन सौ निन्यानवे जो हैं वो नॉन कोर में रखे गए जो कोर आइटम्स हैं वो हैं कोल क्रूड ऑयल नेचुरल गैस रिफाइनरी इलेक्ट्रिसिटी फर्टिलाइजर सीमेंट एंड स्टील और ये कोर हैं भले आठ ही आइटम लेकिन इनका ओवरऑल वेटेज इन आई, आई है फोर्टी और बाकी थ्री आइटम्स का वेटेज लगभग सिक्सटी के आसपास है तो सोचिए कितने इंपॉर्टेंट है एक आठ आट कोर आइटम्स के नाम मैंने यहाँ दे रखे हैं उनमें भी सबका अलग अलग वेटेज है जैसे रिफाइनरी का वेटेज सबसे ज़्यादा है जबकि फर्टिलाइजर का वेटेज सबसे कम है इनको कोर इसलिए कहते हैं क्योंकि दे हैव ए काइंड ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इकोनमी फॉर एग्जाम्पल अगर सीमेंट प्रोड्यूस होगा तो आप नेचुरली समझ लीजिए कि रियल इस्टेट ज़्यादा प्रोडक्शन होगा फर्टिलाइजर अच्छा होगा तो आप अपने आप समझ लीजिए कि एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिसिटी अच्छा होगा तो ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर को फायदा होगा सो दिस इज हाउ दिज आर नोन एज कोर सेक्टर सो हैं बस ये आठ लेकिन इनका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में वेटेज है फोर्टी के आसपास अब करंट न्यूज ये है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पिछले महीने दिसंबर में काफ़ी कम हो गया 0.4 परसेंट तक चला आया तो कारण क्या है इसके पीछे वाई दिस सच ह्यूज डिक्लाइन टेन मंथ में पिछले दस महीनों का यह लोवेस्ट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है तो उसके पीछे कारण है कि जो कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट कम हुआ है कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट कम इसलिए हुआ है क्योंकि सेविंग्स कम हुई है तो सेविंग्स इसलिए कम हुई है क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा चल रहा है सो आई होप मुझे बात बताना जिनको भी मैंने बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ा रखा है वो कम से कम रेस्पॉन्ड करना मैंने तुम्हें ये वर्चुअल साइकिल पढ़ा रखा है एक इंडिविजुअल की इनकम इनकम का जो सेविंग पार्ट होता है सेविंग पार्ट इज मोबलाइज टू द फर्म्स फर्म्स उसको क्या करते हैं इन्वेस्ट तो इन्वेस्ट करके क्या बनाते हैं कैपिटल बनाते हैं तो इन्वेस्टमेंट इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन कैपिटल आई एम सो सॉरी कैपिटल इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सेविंग्स अगर सेविंग्स कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा इन्वेस्टमेंट कम होगा तो कैपिटल कम होगा कैपिटल कम होगा तो आई आई पी यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घटेगा कि नहीं घटेगा और सेविंग्स क्यों कम हुई है क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा है तो क्या आप पूरी की पूरी बात समझ पा रहे हो अगर समझ रहे हो इफ आई हैव टॉट यू इकोनॉमिक्स इन फाउंडेशन क्लास एंड इफ यू आर एबल टू मेक सेंस ऑफ दिस देन प्लीज रिस्पॉन्ड इन द कॉमेंट सेक्शन क्योंकि आपको समझ आनी चाहिए यह बात दिस इज द क्लियर कट एप्लीकेशन इन्फ्लेशन ज्यादा है तो सेविंग्स कम सेविंग्स कम तो इन्वेस्टमेंट कम इन्वेस्टमेंट कम तो फिर कैपिटल फॉर्मेशन कम और कैपिटल फॉर्मेशन कम तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम आने वाले टाइम में अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो ओवरऑल इकोनॉमी का ग्रोथ भी हैम्पर हो सकता है नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी स्मॉल टॉपिक हो सकता है आपने वाले पीटी में आपसे पूछ ले अभी बीजिंग के अंदर विंटर ओलंपिक्स चल रहे हैं दो बेजिंग विंटर ओलंपिक्स इंडिया बस से बस एक ही एथलीट ने पार्टिसिपेट किया और वो है आरिफ खान और जिस गेम में वो पार्टिसिपेट करेंगे उसका नाम है स्लालोम एंड जाइंट स्लालोम अब अभी एक्जैक्टली कैसे खेला जाता है क्यों खेला जाता है वो सब नहीं देखेंगे हम लोग बस नाम याद कर लो आरिफ खान हैं इंडिया से पार्टिसिपेट किया और जो गेम है वो स्लालोम एंड जाइंट स्लालोम कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था इसमें बस पहला स्टेटमेंट सही था दूसरे में तो छः मेंबर होने चाहिए नॉट सिक्स ट्वेल्व मेंबर बॉडी नहीं सिक्स मेंबर बॉडी होने चाहिए एंड चेयरमैन तो आरबीआई के गवर्नर ही है तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए दर ऑल फॉर सेट फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग